बसपा के लगातार परिवर्तन से भाजपा को मिल सकती है बड़ी जीत। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की तथा कुल मतदान 49.6% मत उसे मिले। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद सीटें घटी थी। यह केवल सपा व बसपा के गठबंधन का ही असर था। अब जबकि बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है, यह सोचने का विषय है कि आगे की परिस्थितियों में इसका किसे लाभ मिलेगा। कम से कम सपा व बसपा को इसका लाभ तो नहीं मिलने वाला है। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा को 9 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि 7% वोट शेयर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वरूप के आधार पर वर्ष 1996, 1998, 2014 तथा 1019 के लोकसभा चुनावों की तुलना करें तो 2019 के चुनाव में कुल मिले वोट प्रतिशत की तुलना में भाजपा को सबसे कम सीटें हासिल हुई हैं। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में मिले वोट शेयर तथा सीट शेयर ही उसकी लोकप्रियता को आंकने का मुख्य आधार होता है। भाजपा के प्रबल वोट शेयर हासिल करने के बावजूद उसकी सीटों में कमी के पीछे उत्तर प्रदेश में सपा एवं बसपा का गठबंधन ही प्रमुख कारण था। इसे हम विधानसभा वार उन्हें मिले मतों के माध्यम में समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 373 विधानसभा सीटें हैं। वर्ष 2014, 2017 तथा 2019 में लगातार हुए 3 चुनाव में भाजपा को क्रमश 310, 302 तथा 262 विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत हासिल हुआ था, जबकि सपा व बसपा के लिए इन चुनावों में ट्रेंड भाजपा के बिल्कुल उलट दिखाई देता है। गठबंधन के तहत उनके तहत लड़ी गई सीटों के आधार पर देखें तो उक्त तीनों चुनाव में सपा को 143 विधानसभाओं में क्रमश 33, 27 तथा 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह बसपा को 192 विधानसभाओं में 7, 13 तथा 65 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई। वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद जहां भाजपा की सीट घटी, वहीं सपा एवं बसपा की सीटें 2019 में औसतन काफी अधिक रहीं। यह सही है कि सपा बसपा गठबंधन को उसकी उम्मीदों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं हासिल हुई। इसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि दोनों के संयुक्त वोट प्रतिशत में काफी गिरावट रही और बसपा के लगातार परिवर्तन को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा को आने वाले समय में चुनावों में काफी बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।